डेटा इंटीग्रेशन इज़ अ मेकानिज्म जिसमें हम हैट्रोजीनियस डाटा को एक यूनिफॉर्म लोकेशन पे कंबाइन करने की कोशिश करते हैं अब डेटा इंटीग्रेशन के सेवरल प्रॉब्लम्स हैं जो कई दफ़ा डिस्कस हो चुके बट वन अनदर मेजर प्रॉब्लम जिसने बहुत कम अटेंशन गेन की है दैट इज रिलेटेड टू एथिक्स एथिक्स क्या होते हैं और वो डेटा इंटीग्रेशन को या बायोलॉजिकल डाटा को कैसे अफेक्ट करते हैं इस चीज़ पर फोकस किया जाएगा नंबर वन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एथिक्स से मुराद क्या है आप में से कोई बता सकता है कि वट इज़ एथिक्स बेसिकली एथिक्स से मुराद हम ये लेते हैं कि कॉमन लाइफ गुजारने के लिए क्या चीज़ अच्छी समझी जाती है और क्या बुरी अब ये बहुत एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है यानी कि बाज़ ऐसी चीज़ें जो एक माशरे में बुरी समझी जाती हों दूसरे माशरे में कॉमन हों तो अब हमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड मेकानिज़म चाहिए जो बायोलॉजिकल डाटा के लिए एथिकली गुड वे में समझा जा सके सो बेसिकली वट इज़ एथिक्स विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन इट इज़ ब्रांच ऑफ फिलासोफी दैट इन्वॉल्व सिस्टेमाइजिंग डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रोंग यानी कि इसके अंदर हम वो पॉलिसीज़ बनाते हैं जो डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग सिमिलरली वी कैन से व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर पीपल टू लिव ये कॉमन एथिक्स है कि लोगों को लिए कौन सा बेहतरीन तरीका है अपनी ज़िंदगी गुजारने का और नाउ व्हाट आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स विच आर पार्ट ऑफ एथिक्स कि कौन से एक्शंस हैं विच आर अंडरस्टे अंडरस्टूड एज राइट और रॉन्ग यानी कि कौन से ऐसे एक्शन हैं जो गुड समझे जाते हैं या बैड समझे जाते हैं सो कन्सेप्ट आर गुड एंड ईवल देयर शुड बी प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड ईवल क्या चीज़ सही है और क्या गलत है इसमें डिस्टिंक्शन होनी चाहिए देन देयर शुड बी डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग वर्चू एंड वाइस जस्टिस एंड क्राइम यानी कि एथिक्स को एक माशरे में डालने के लिए हमारे पास इन चार कंसेप्ट में क्लियर कट डिस्टिंगशन होनी चाहिए हमें पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है मूविंग ऑन वट आर द कंपोनेंट्स नाउ देर आर अगेन फोर कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स नंबर वन इज रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि लोगों की जो प्राइवेसी है उसको रिस्पेक्ट किया जाए अब यहाँ पे दो चीजें नंबर वन ये है कि ऑटोनोमी यानी कि जो लोगों की ऑटोनमी है कि लोग अपने आप को कितना प्रेजेंट करना चाहते हैं उसकी इज्जत की जाए सेकंड उनकी डिग्निटी यानी कि उनसे जो इन्फॉर्मेशन ली जाए तो उनकी डिग्निफाइड उनको रखा जाए जैसे अगर पेशेंट्स के बारे में अगर हमें किसी की बीमारी का पता लगा तो उसे हमें प्रोपेगेट नहीं करना चाहिए उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए सिमिलरली बेनिफिशंस बेनिफिशंस से मुराद ये है कि कितनी बेनिफिशंस होनी चाहिए इसका सिंपल रूल ये है कि बेनिफिशंस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क फैक्टर्स कि अगर एक बंदा ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो उसे उतना ही फायदा होना चाहिए यानी कि एक माशरे में अगर एक बंदा ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो ही शुड गेट मोर रिवार्ड्स तो दैट इज़ बेसिकली पोटेंशियल हार्म इज़ इक्वल टू पोटेंशियल गुड यानी कि अगर पोटेंशियल है कहीं पे हार्म का तो उतना ही पोटेंशियल होना चाहिए उसकी अच्छाई में भी थर्ड वन इज़ जस्टिस जस्टिस का मतलब ये होता है कि लोगों में इम्तिया सलूक ना किया जाए बराबरी के लेवल पर उसे एक्सेस किया जाए देट इज़ अगेन पार्ट ऑफ एथिक्स एंड फाइनली वी हैव मोरलिटी मॉरेलीटी से मुराद मुरादी है कि रूल्स ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन कल्चर डिटर्माइंड आइडियाज़ ऑफ राइट एंड रॉन्ग यानी कि किसी भी कल्चर के अंदर कौन से इफ़ेक्ट्स हैं कौन से वो गाइडलाइंस हैं कौन से आइडियाज़ हैं जो मॉरल वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक माशरे में माइट बी मॉरल वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं दूसरे माशरे से तो वो मॉरल वैल्यूज जो हैं दे आर वेरी सब्जेक्टिव टू अ सर्टन कल्चर और एरिया देन एथिक्स इट सेल्फ इज अ प्रोसेस ऑफ रीजन डिस्कोर्स अमंग डिसीजन मेकर देन वी हैव नॉन मेल फिशंस नॉन मेल फिशंस का मतलब ये है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो हमारे टास्क हैं वो किसी को हार ना पहुंचाएं इफ वी सी दैट दीज एक्सपेरिमेंट्स आर डूइंग सम हार्ड टाइप थिंग टू पीपल वी शुड स्टॉप दोज एक्सपेरिमेंट्स और उन्हें हमें कंटिन्यू नहीं कंटिन्यू नहीं करना चाहिए वट आर द मेजर एरियाज इन एथिक्स देर आर थ्री मेजर एरियाज मेटा एथिक्स जो पूरी की पूरी लोगों पर अप्लाई होते हैं द नॉर्मल नॉर्मेटिव एथिक्स जो कुछ लोगों पर कायम हो और फिर एप्लाइड एथिक्स कि जिनका हम रिज़ल्ट देख सकें कि हमने अप्लाई किया और उसके बाद हमने उनका रिज़ल्ट चेक कर लिया कि वो क्या किस डायरेक्शन में काम हो रहा है